खबर बादल झपटे से है। बबेरू कस्बे में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे दुकान के अंदर रखा मशीनरी सामान एवं ऑटो पार्ट्स की सामग्री सहित सब कुछ जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के जवानों के द्वारा आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक पूरा सामान जलकर खाक हो गया था। मामला बबेरू कस्बे के उगासी रोड स्थित स्वर्गीय हरि प्रसाद सिंगरौर इंटर कॉलेज के पास का है, जहां के रहने वाले रामकिशन पुत्र राम निहोर, जो गुड्डू ऑटो पार्ट्स की दुकान करता था, बुधवार को दुकानदार दुकान बंद करके अपनी पत्नी को लेकर ससुराल नरेनी क्षेत्र के रिढ़ौड़ा गांव गांव के त्योहार पर गया था। इधर बुधवार की शाम शॉर्ट सर्किट से गुड्डू ऑटो पार्ट्स की दुकान पर आग लग गई। जैसे अगल बगल के लोगों ने देखा तो फायर ब्रिगेड को सूचना दिया। सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के जवानों के द्वारा शटर तोड़कर आग बुझाई गई, लेकिन जब तक ऑटो पार्ट्स का रखा सामान, मशीन, जनरेटर, मोबिल, कंप्रेसर मशीन एवं पार्ट्स के रखे सामान सब कुछ जलकर खाक हो गया, जिसमें नगद रुपया भी जलकर खाक हो गया। वही दुकानदार के द्वारा 15 से 20 लाख रुपए के नुकसान की बात कही है। वहीं घटना को देखते हुए फायर ब्रिगेड के सीओ मुकेश कुमार मौके पर पहुंचकर आग के नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह, कस्बा इंचार्ज तुषार श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। मेरा नाम अमित कुमार प्रजापति। कैसे आग लगी है? आग शॉर्ट से लगी है। कितना नुकसान हुआ? नुकसान वही 15-20 लाख रुपए और उनका जो भी सामान पड़ा रहा हो लगभग इतना धन का। क्या क्या सामान था? सामान गाड़ी का ऑटो पार्ट्स और गाड़ी का इंजन वगैरह, और जनरेटर भी था, धुलाई मशीन भी थी, आयल भी बहुत सारा था और जो भी अंदर रहा हो। अच्छा, किसकी दुकान है ये? हमारे बड़े भाई साहब की, रामकृष्ण प्रजापति, जो गुड्डू ऑटो पार्ट के नाम से चलती है। कैसे जानकारी आपको? जब हम बाहर से आए, अंदर बैठे थे कपड़े उतार कर, और जब यहाँ से भाई पहुंची तब दरवाजे से बाहर आग दिखने लगी, तो हम जल्दी लिया दरवाजा पीछे खोले, पानी डाले, जब कंट्रोल नहीं हुआ तब फोन भी किया सब चीज, और शटर अंदर से लॉक थी तो नहीं खोल पाए। फिर फायर ब्रिगेड कब आई? फायर ब्रिगेड वही जब आदेश ज्यादा हो गया, मतलब अनकंट्रोल हो गया, तभी आई। आग बुझ गई है? आग बुझ गई है, सामान कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान वही लगभग हम बता सकते हैं कि 15-20 लाख तक और ऊपर भी हो सकता है। क्या सामान था, बड़ा क्या छोटा था, ये मालूम नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार। जी सर, किस तरह की घटना हुई यहाँ पर आग चली? आज 19:02 पे हमारे फायर कंट्रोल रूम बांदा में आग की सूचना मिली कि बबेरू में एक आग लगी है। तत्काल हमारी जो बबेरू की यूनिट है यहाँ पर 19:07 पर पहुंच गई। आकर के देखा कि एक गुड्डो ऑटो पार्ट्स की जो मरम्मत वगैरह भी करते थे, स्पेयर पार्ट्स रखते थे, उसमें आग लगी थी। काफी काला धुआं निकल रहा था, क्योंकि जो स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है उसमें जो जला हुआ मोमियाल होता है या फ्रेश मोमियाल होता है, संभवतः वो फैल गया होगा जलने पिघलने से, जो कंटेनर रहे होंगे, तो काफी आग लगी थी, जिसमें धुआं इतना होने की वजह से लोग घबराए हुए थे, अफरा तफरी का माहौल था। हमारी टीम ने बड़ी तत्परता से पहुंचकर, और जो यहाँ के पड़ोसी लोग थे उन्होंने भी काफी मदद किया, आग पर काबू पाया और आग को फैलने से रोका और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया बहुत ही कम समय में ही। साथ ही साथ आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो हमारे इस तरह के घने गलियों में बाजार हैं, लोग, ये तो बाहर खुला था, इसमें तो कोई ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं हो सकती थी, लेकिन जो घर पुराना बाजार है उसमें बाजार है, तो उसमें जो संकरी गलियां हैं उसमें लोग नीचे गोदाम रखते हैं, ऊपर अपनी दुकान लगा दिया, फिर तीसरे मंजिल पर रहने लगे, रास्ते भी पर्याप्त नहीं है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे जो दुकानें कमर्शियल संस्थान है उसमें अपने परिवार के साथ ना रहें, और जो निकलने के मार्ग हैं उनको खुला हुआ रखें, अगर कभी ऐसी स्थिति आती है आसानी से निकल सके।